हमारे बंगाल की स्वच्छ असेंबलीमा और सजीव प्रकृति को छोड़ के इस बार निकल पड़े आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम की ओर, जहाँ सागर और पहाड़ों एक साथ ही विराजमान है। पहाड़ की मौनता जहाँ हर वक्त आंदोलित होकर जाग उठती है सागर की लहरों की सशब्द अभिघात में। इस यात्रा के दौरान हम ओडिशा राज्य के ऊपर से होकर गुजरे थे बस में। जाने के दौरान ओडिशा के गोपालपुर सी बीच और लौटने के वक्त प्रसिद्ध भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और चिल्का ह्रद का भी परिभ्रमण की। उसके साथ विशाखापट्टनम का ऋषिकोंडा बीच, कैलाशगिरी पहाड़, रामकृष्ण बीच, सबमरीन म्यूजियम, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा वैली अराकू वैली का पदमपुरम बोटानिकल गार्डन, आदिवासी म्यूजियम, कॉफी गार्डन, बोरा केव, उसके अलावा नृसिंह मंदिर, मत्स्य बंदर, रामानायडू फिल्म स्टूडियो, कुल मिला के ये सफर। फ्रेंड्स, hobbiesanddreams.com में आपका स्वागत है। जाने के दौरान जब हम गोपालपुर सी बीच में पहुंचे, सूर्य का प्रकाश हो चुके थे, फिर भी कुछ क्लासिक शॉट लेने को मिला, एक सुंदर सा फीलिंग महसूस करने को मिला। यहाँ असीम जल रेखा से मछली पकड़ने वाले नाव लट रहे थे तीर में एक के बाद एक। स्थानीय आदिवासियों का जीविका और उसके साथ उन लोगों का दैनंदिन जीवन का कुछ कुछ देखने को मिला हमें। किसी भी सफर के दौरान हर रोज कहीं ना कहीं एक नई जगह पर खाना, घूमना अपने आप पिकनिक यानी चोड़ी भाती बन जाता है। ऐसे ही गोपालपुर का सुंदर बीच में पिकनिक करके हम सभी निकल पड़े भाईजाग तथा विशाखापट्टनम की ओर। हमारा बस पूर्वघाट पर्वतमालाओं के पूर्व से गुजरते हुए रास्ते में कुछ कुछ विच्छिन्न पहाड़ों से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश राज्यों का भाईजाग में पहुंच गए। विशाखापट्टनम वास्तव में एक सुंदर सी शहर है, जिसके एक ओर समुद्र यानी भारत महासागर और दूसरी ओर पूर्वघाट पर्वतमालाओं का प्रांत सीमा की कुछ विच्छिन्न विक्षिप्त पहाड़ों से सुसज्जित है। हम इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क गए। वहां बहुत सारी वैरायटीज का पशु पक्षी और अन्य प्राणियों को देखे, जिन्हें उन्मुक्त प्रकृति के बीच में ही रखा गया है।
ऋषिकुंड बीच गए, जहां बहुत ही बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा की शूटिंग हुआ। कुछ इधर उधर घूमे और अनुभव किए कि काल्पनिक चित्रपट से भी बहुत ही सुंदर है ये बीच। रामानायडू फिल्म स्टूडियो गए, कैसे एक कृत्रिम नकली सेट फिल्म में सच और विश्वास योग्य बन जाता है, ये बात कुछ समझ में आया। कैसे कैसे जटिल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होता था उन कॉम्प्लेक्स टाइप मशीनों को भी देखिए। रात में कैसे बत्तियों का माला पहन के नाइट क्वीन बन जाता है भाईजाग, वो भी देखा कैलाशगिरी पहाड़ का टॉय ट्रेन से। उसके बाद अराकु वैली का पदमपुरम बोटानिकल गार्डन, आदिवासी म्यूजियम, कॉफी गार्डन, बोरा केव सफर किया। अराकु वैली में गुजरने के दौरान बारिश का मजा भी मिला हमें। ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस शायद ना भूल पाएंगे जिंदगी भर।
सिंह मंदिर में एक बहुत बड़ा वेटिंग रूम है, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत सुंदर है। रामकृष्ण बीच में एक ऐतिहासिक सबमरीन म्यूजियम है, उसे देखने के लिए हर व्यक्ति का टिकट काटना पड़ता है, साथ में कैमरा के भी अलग से। अंत में मछली बंदर यानी फिशिंग हार्बर घूमने के बाद हम वाइजाग से निकल पड़े। लौटने के दौरान ओडिशा में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर दर्शन किया विदाउट कैमराज। वहाँ रात के डिनर करके यात्रा शुरू हुआ, जो अगले दिन सुबह सुबह विश्व का प्रसिद्ध चिल्कर ह्रद में ले आया। चिल्कर ह्रद की थोड़ी बहुत सफर किया बोट यानी नाव में, बहुत ही रोमांचक था ये जल यात्रा। वहाँ पिकनिक यानी लंच के बाद बस निकल पड़ी बंगाल की ओर। रात में एक पेट्रोल पंप का इलाका में डिनर करके नेक्स्ट मॉर्निंग को घर के पास दीघा बीच। एक असीम आनंददायी सफर का अंत, फिर से शुरू होगी वो घिसती हुई आम दिन, लेकिन अब से वो आम जिंदगी के अंदर में अंतःशल्ला जैसे बहता चलेगा अच्छी अनुभवों का एक तृप्त अभिज्ञता। फ्रेंड्स, इस बार वीडियो शेयर करने में थोड़ी देर हुआ, हमें बहुत खेद है। ये है कि हमारे वेबसाइट hobbiesanddreams.com का सजावट करना था, तो फ्रेंड्स सी यू अगेन ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।